हे दे वॉय जेंगल्स वेलकम बैक टू ए आर के सर्वाइवल वर्ल्ड जहाँ पर आज हम लोग भाई जाने वाले हैं और मोसा सौर पकड़ने वाले हैं जैसे मैंने प्रॉमिस किया था तो अभी तो मैंने स्पॉट नहीं किया कोई मोसा सौर बट उससे पहले मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है जो कि मेरे को पता नहीं था मेरे इनग्रियंस खुले हुए हैं बट पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था हम लोग कीव में गए थे और हम लोगों ने आर्टिफैक्ट ऑफ ब्रूट कलेक्ट किया था और काफ़ी सही चीज़ है भाई ये पर इसको कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा लग गई थी हमारी कोई बात नहीं पर आज हम लोग बनाने वाले हैं दो चीज़ें सबसे पहले दो चीज़ें एक्चुअली हम तीन चीज़ें बनाएंगे पर स्टार्टिंग में दो चीज़ें डेमोस्ट्रेट करनी है और मुझे खुद भी ट्राई करनी है एक तो ये है स्काउट ठीक है मेरे को पता नहीं था इसको बनाने के लिए हमें एलिमेंट नहीं चाहिए तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया बट ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान है बनाना एक ही अनसेंबल एनफोर्सर भी है तो ये दोनों चीज़ें हम बनाएंगे उसके बाद भाई हम बनाएंगे ये टेक मोसस और की सैडल क्योंकि आज हमें मोसस और ऑफकोर्स पकड़ना है तो हम लोग पहले ये बना लेते हैं यार मैंने इसके लिए सामान भी कलेक्ट कर लिया है तो मुझे क्या चाहिए एलिमेंट चाहिए मुझे यार एक सेकंड में जरा एलिमेंट निकाल लूँ भाई ये सब इतने दिनों से खेला नहीं है ना मैं भूल गया हूँ कि काम कैसे करता है ये सो लेट इस पुल आउट ऑल द एलिमेंट प्लीज यप दिस ऑन ओ भाई तगड़ी चीज़ ओ ये ओके okay, हो भी गया और इसको भी बना लेते हैं आ, इसके लिए भाई एलिमेंट डस्ट बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने बहुत सारे बच्चे पैदा कराए उनको मारा वही सब प्रोयरिटी वापस से क्या कर सकते हैं भाई आ, और इसके लिए भी शायद मेरे पास सामान होना चाहिए एक सेकेंड शायद मेटल कम हो क्रिस्टल एलिमेंट एलिमेंट कम है मेरे पास क्या बात कर रहे हो मेटल और नहीं एलिमेंट है भाई मेरे पास मेरे पुराने घर में मैं थोड़ा सा छोड़ के आ गया था आई गैस तो इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है बट आई डू हैव एलिमेंट और मैं यहाँ पे एलिमेंट फालतू को बर्बाद करे जा रहा हूँ भाई सॉरी फॉर दैट पॉलीमर हमें चाहिए ओके पॉलीमर मैंने इसमें लगा दिया ना शायद से इसलिए चलो कोई बात नहीं वो हम बाद में देख लेंगे थोड़ी देर में मैं कर लूँगा भाई सब न, सामान जमा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहले तो हम यार वो चीज़ें ट्राई करें मैं एक तो उसमें से निकालना भूल गया पहले हम यार एनफोर्सर और स्काउट ट्राई करें है, है क्या चीज़ है ना वेयर इज़ इट गिव मी इट गिव मी इट एक्चुअली पता है इसमें बहुत जल्दी जल्दी पॉलीमर वगैरह क्राफ्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पॉलीमर बहुत जल्दी जल्दी बना लेंगे हम सो वी हैव दिस प्रिमेटिव अनऐसेम्बल्ड एनफोर्सर इसको हमें करना पड़े कंस्ट्रक्ट ओ भाई साहब ओ भाई साहब ये क्या चीज़ है भाई कितना कूल लग रहा है यार ये ओ भाई ये क्या पेड़ की जड़ें हैं क्या ये क्या ये अजीब सा एक सेकेंड ये ये चीज़ से पेड़ की जड़ें लग रही हैं आई मीन इट शुड बी अ वायर टाइप थिंगी बट ओके फाइन और ये क्या है भाई इक्विप इसको इक्विप करते हैं ओके ओ वॉट ये मेरे हाथ में कुछ है ओ लॉल ब्र ट्वेंटी एलिमेंट डस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर स्काउट ऑपरेशन ओके तो एलिमेंट डस्ट थोड़ी ट्वेंटी बोला हाँ ट्वेंटी लेके आता हूँ एक सेकेंड में मेरे इसी किसी चेस्ट में पड़ी होनी चाहिए भाई ट्वेंटी डस्ट प्लीज बॉय प्लीज पड़ी है भाई ये रही ट्वेंटी डस्ट पड़ी है अब इसका करेंगे क्या ऐसे फेंकना है क्या ओ भाई ओ ये क्या था ये तो ड्रोन है भाई ओके मेरे को लगा मैं दूसरे वर्ल्ड टेलीपोर्ट हो गया लॉल अच्छा तो ये बात है तो ये ऐसे ड्रोन टाइप का फंक्शन कर ओ भाई एक सेकेंड इतनी जल्दी इसने एक एलिमेंट खा एलिमेंट डस्ट खा भी लिया यार तो यार ये, ये चीज़ बड़ी सही है और वैसे ऐसे शिफ्ट करके बूस्ट भी दे सकता हूँ अच्छा और ये ऐसे बताता है कि कौन कौन से क्रीचर्स हैं जो हॉस्टाइल हैं ओ भाई इसने उसको मारा क्या ओ भाई ऐसे हेडबट टाइप का करता है यार ये एक सेकंड में एक और बार ट्राई करना चाहता हूँ यार नियरिंग स्काउट एक सेकंड एक सेकंड बैम ओके ओके करता है करता है ये हाई हेडबट करता है भाई मैं वापस से जल्दी से पहुँचाऊँ बस अपने रेंज के अंदर ओ भाई दिक्कत ना आ जाए कहीं बस रेंज के अंदर पहुंच जाऊं मैं लो एनर्जी रिमेनिंग मैंने हाँ भाई पता है पता है रुक जा ओ शिट डिस्कनेक्टिंग लॉल ब्रो ओके बट दैट वाज कूल यार दैट वाज कूल तो यही कहीं होना चाहिए भाई एनफोर्सर मेरा मैं लेके तो आ गया था बुरा वूरा देखो 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 ये देखो यहाँ पर उठ रहा है इसको लेके कैसे आऊँगा नीचे वापस ओके दिस इज काइंड ऑफ अ पेन नाउ अबे यार चलो ठीक है उसको हम बाद में देख लेंगे भाई पर बड़ी सही चीज़ थी यार और एक बार ये भी ट्राई करके देखता हूँ जरा ये क्या चीज़ है भाई ऐसे तो घोड़े ऐसा लग रहा है जीप सा ए अभी तो राइड आ रहा था पहले अब क्यों नहीं आ रहा बॉय आई वन आ राइड यू अच्छा मेरे हाथ में ये पड़ा हुआ है मेरे हाथ में उसका कंट्रोल पड़ा हुआ था इसलिए क्या अच्छा लॉल मैं ना सिटी वाजा ही वापस आ गया वो ओके वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं आई पर ठीक है फिर भी ओ भाई ये भी तो काफ़ी सही चीज़ है इसके लिए क्या लगता है एलिमेंट लगता है क्या फंक्शन के लिए सैडल सैडल क्यों दिए जब हम ऐसी भी राइड कर सकते हैं तब सैडल की ज़रूरत तो पड़ नहीं रही है भाई इसके स्टार्ट तो इतने बुरे नहीं है पर इतने खास भी नहीं है भाई सही बताऊँ तो इतने खास भी नहीं है आई वुड इंक्रीज सम हेल्थ फर्स्ट या इंक्रीजिंग हेल्थ वुड बी फाइन हम लोग जरा बाहर तो जाएँ ज़रा ये क्या था इसको चलाते कैसे भाई आई हैव नो आइडिया ओके दैट्स हाउ दैट्स हाउ ओके ये साइन क्या आ रहा है नीचे बना हुआ आई वुड लाइक टू सी दैट ओ भाई एक सेकंड ये तो कुछ दिखाई नहीं ये तो कुछ दिखाई नहीं भाई किसी खाली जगह पे देखते हैं यहाँ पे देखते हैं अच्छा टेलीपोर्ट करता है ये एक सेकंड एक सेकंड जब मैं राइट क्लिक दबा के रख रह रहा था ना तब कुछ आ रहा था अच्छा बेटा ये बात है तो मैं राइट क्लिक दबा के रखूँगा तो बताएगा कहाँ कहाँ पर तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो तो कहाँ पर नहीं कर सकते तो मैं इस स्पीड पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ भाई देखना अभी वहाँ तक टेलीपोर्ट करके देखते हैं अरे भाई साहब ओ भाई ओ पी चीज़ है भाई ओ पी चीज़ है यार ओ पी चीज़ है भाई ये तो मेरे को पता कैसे नहीं था यार ये सब खैर अभी पता चल चुका है और काफ़ी सही चीज़ है भाई ये और ऐसे ही स्लैश अटैक करता है यार एक बार मेरे को इसका स्लैश अटैक ट्राई करके देखना है कि कैसा है ये क्या था भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं था उधर वॉट वॉट वॉज दैट अच्छा एक्काटीना है यहाँ पे ओके फिफ्टी नाइन डैमेज ओके बैड 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 इट्स वेरी बैड इट्स वेरी बैड मैं तो भाई अंदर जाने वाला हूँ वापस से क्योंकि बहुत ही गंदा है भाई इसका डैमेज ए मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अभी ओके वहाँ तक हो रहा है पर पास में नहीं हो पा रहा था लॉल दैट इज़ वियर्ड चलो खैर जो भी है हम लोगों ने भाई मस्त मस्त चीज़ें ट्राई तो कर ही ली है अब हम एक काम करते हैं भाई अपना जो मेन काम था उस पर लगते हैं इस पर भी मैं नहीं कर रहा अच्छा अब कर पा रहा हूँ तो डिस्टेंस चाहिए पड़ती है भाई यू नीड सम डिस्टेंस फॉर इट <laughs> इसको मैं से छोड़ देता भाई कितना सही लग रहा है ना अब बहुत ही प्यारा लग रहा है हालाँकि गेम रिस्टार्ट करने पर नीचे गिर जाएगा पर फिर भी बहुत कूल लग रहा है भाई चलो भाई सही है हम लोग अभी चलते हैं और देखते हैं ज़रा हम लोग मोसा से ढूंढ पाते हैं आज के नहीं ढूंढ पाते हैं। और मैं थोड़ा सा यार अभी सामान जल्दी जल्दी रेडी कर लेता हूँ मुंह से सैडल के लिए सैडल बना के ही चलेंगे यार अभी ऐसे नहीं जाएंगे बिना किसी तैयारी के सैडल बना लेते हैं मैं ज़रा एलिमेंट वगैरह भी लेके आ जाता हूँ अपने मेन मतलब दूसरे वाले बेस से और उसके बाद हम लोग जाएंगे एक्चुअली कई मुझे लगता है हमें अब थोड़ा जल्दी जल्दी गेम्स खेलने पड़ेंगे ये वाले जो हम अभी स्काश ड खेल रहे हैं और ये खेल रहे हैं ना आईलैंड हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा द रीज़न बींग एक और नया मैप आने वाला है पता है जल्दी जून में एक नया मैप आने वाला है जिसका नाम तो है मुझे सही से याद नहीं है बट आई होप कि मैं एक छोटी सी वीडियो डाल दूँ उसकी यहाँ पर uh, तो उस मैप में एक नया उन्होंने एक uh, डाइनोसोर रिवील किया है जो कि अभी तो पता नहीं यार लोग स्पेक्यूशन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है पर उसके ऊपर एक टेक सैडल लगी है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है तो अब नए नए मैप्स आ रहे हैं जल्दी जल्दी वो भी अभी जेनेसिस आया था अभी नया मैप आने वाला है सो वी हैव टू फिनिश दीज मैप्स क्विकली जिससे हम नए नए मैप्स खेल पाएं जेनेस एस पी नहीं, नहीं, नहीं ट्राई किया भाई अभी तक तो, तो मैंने हालाँकि है मेरे पास बट ट्राई नहीं किया मैंने सो वी हैव टू डू दैट टू ब्रो चलो भाई आई थिंक सारा सामान हो चुका है मेटल पच्चीस सौ चाहिए था ओके वेल दिस इज़ बैड क्योंकि मैं मेरे को लगा कि मुझे नहीं लाना पड़ेगा मेटल मेरे पास मेटल इनगट्स पड़े थे मतलब मेटल पड़ा था इनगट्स नहीं पड़े थे तो बीस मिल्ट के पंद्रह सौ है मेरे पास बस चलो भाई इस बार पक्के से हो गया भाई इस बार पक्के से हो गया एक बार चेक कर लेते हैं बस ओके है। ये या 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 या। बन चुका है भाई हमारा मोसा सोर का टेक सैडल क्या बात है और थोड़े से मटीरियल भी बचे हुए हैं हमारे पास ये तो बहुत अच्छी बात है मेटल नहीं बचा भाई चल मेटल वैसे बचा होगा उसने उतना ही पुल किया होगा ना जितना जरूरत होगी एक सेकंड में देख लेता हूँ यार क्योंकि मेटल की मुझे अभी काफ़ी ज्यादा ज़रूरत है ओके नाइनटी एट मेडल बचा है बस क्या बात कर रहे हो यार मैं इतना सारा लेके आया था अभी यार सारा बर्बाद हो गया चलो खैर जो भी है हमें अभी क्या करना है कि आ, हमें एक ट्रैप बनाना है तो ट्रैप मैं कैसे बनाने वाला हूँ जो ट्रेडिशनल ट्रैप बनाता हूँ मैं रिक्स का एग्जैक्ट वैसे ही बनाऊँगा बस थोड़ी सी स्केल बड़ी होगी और एक और चीज़ हर गेट पर मतलब हर डोर फ्रेम पे गेट होंगे इस बार क्योंकि अब वो गेट में से तो निकल ही सकता है तो मेरे को सारे गेट लगाने पड़ेंगे बस दो गेट खोलूँगा एक जिसमें से वो आएगा और एक जिसमें से मैं निकलूँगा सो लेट मी गेट ऑल दोज मटीरियल्स डन फिर हम उसी केव पर जाएंगे जहाँ पर पिछली बार गए थे वहाँ पर पिछली बार यार बहुत ही छोटी सी लेवल का मोसा और आया था वरना हम उसको पकड़ लेते पर देखते भाई इस बार शायद अच्छा आ जाए राइट तो ट्राई करते हैं अगर टू से टू से थूथिस क्या बोलते हैं उसको टू से टू थेस यार मेरे को उसका नाम सही से लेना नहीं आता मेरे को उसको भी ढूंढना है भाई अभी उसका भी हंट मेरा चालू हो चुका है पिछली बार मैं जब गया था तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर और ढूंढा था रिकॉर्डिंग कर, बंद करने के बाद में पर मुझे फिर भी नहीं मिला था पर देखते हैं इस बार क्या पता हमें मिल जाए विल we'll ट्राई चलो वाइज मैंने पंद्रह ले लिए हैं डायनासोर गेट और मैंने पंद्रह लिए हैं डाइनासॉर गेट्स ठीक है आई थिंक दिस शुड बी इनफ तो जो ट्रैप है वो मेरे को नहीं पता कैसे काम करेगा मैंने किसी को बनाते हुए भी नहीं देखा है पर आई होप दैट वर्क्स ओके अब वो एक डॉल्फिन नहीं है जो पानी मतलब गेट के ऊपर से जंप कर जाए तो आई होप दिस वर्क्स अगर नहीं काम किया तो भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बट या इट शुड वर्क इसके पास बिल्कुल भी एलिमेंट नहीं है क्या बात कर रहे हो यार तुम तो? चलो वैसे तो मैं इसको भी थोड़ा सामान दे देता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है सामान हमारा जो एलिमेंट है ना यार वो थोड़ा सा रख लेते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर डेमॉन्सट्रेट भी तो करना है ना तो तीस एलिमेंट मैंने ले लिया है आई डोंट डाई देर और बाकी तो हमारे पास सब कुछ है ही सार को हम लोगों ने ले लिया अपना क्रॉक ले लिया है और हम लोगों ने पैसिलो को भी ले लिया है सो वी आर गोना गो नाउ बैसल और उसका नाम क्या रखा था मैंने कुछ अच्छा सा था यार बैसल और उसका नाम नहीं रखा यार क्या बात कर रहे हो बैसलो और उसका कुछ नाम रखेंगे भाई अभी रखते हैं कुछ अच्छा सा नाम रखते हैं इसका ये एक्चुअली तुम लोग ही सजेस्ट कर देना यार मेरे को अभी थोड़ा दिमाग में आ नहीं रहा मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया और मेरे दिमाग में एक भी नाम नहीं आया तो तुम लोग ही सजेस्ट कुछ करना तब तक शायद मुझे भी कुछ अच्छा नाम याद आ जाए सो so, या yeah, अगले एपिसोड में हम लोग उसका कुछ मस्ता नाम रखेंगे कुछ ऐसा फ़नी सा करना जैसे मिस्टर हैमबर्गर या ऐसा टाइप का मतलब कुछ ठीक है ऐसे अंग्रेजी नाम मत बताना कि फ्रेट थॉमस ऐसे ये सब नहीं कुछ मज़ेदार सा बताना भाई वैसे यार मैं अभी डाइनोपोर नहीं खेल पाऊँगा क्योंकि अभी मेरा जो इंटरनेट है वो सही नहीं है बिल्कुल भी और अगर मैं उस पर खेलूंगा तो भाई प्लेबल नहीं होगा बहुत ज़्यादा रबर बैंडिंग सा होगा मैं मेरा कैरेक्टर अटकेगा इधर उधर सो नॉट बी एबल टू डू दैट बट एक मस्त चीज़ मैंने उसमें कर दी तुम लोगों ने बोला था कि हमारा जो आ, फायर बाई वन पैदा हुआ था वो एकदम चार्जर मेगा चार्जर्ड एक्स लग रहा था तो मैंने उसका नाम मेगा चार्जर्ड एक्स से ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता रख दिया है जो कि तुम्हें तो बहुत ही पसंद आएगा होपफुल या जल्दी मैं डायनो पर भी ला पाऊँ चलो भाई इधर ही ज़रा लैंडिंग कर ली जाए इधर से थोड़ा घूम घाम के जाएंगे हम लोग वहाँ पर अपने बैसिलो को ले और देखेंगे ज़रा कि हमें मिलता है एक मोहसौर के नहीं बड़ा बूम बॉय इसकी हेल्थ वेल्थ फुल है ना अभी सब इसकी हेल्थ शायद फुल ही है तो अभी मैं यार फ्लिपर्स वगैरह तो लेके नहीं आया हूँ एक सेकेंड अ एक चीज़ तो भूल ही गया मैं एक बार बस अपने फ़्लिपर्स ले लूँ और गीट्स वगैरह ले लूँ फ्लिपर्स मेरे दिख नहीं रहे वैसे इधर यार वेयर आर माई फ़्लिपर्स आई डोंट थिंक आई हैव दम ओह या आई आई थिंक मैंने उनको घर पर छोड़ दिया भाई सो so, हमारे पास फ़्लिपर्स तो नहीं है बट ओके okay, चलो कोई बात नहीं यार अब क्या कर सकते हैं ओके फ्लिपरस हम लाना भूल गए भाई फ़्लिपर्स हम लाना भूल गए चलो कोई बात नहीं हम लोग अपना क्रॉक यूज़ कर लेंगे पानी के अंदर ठीक है ओ भाई पूरी रात ही कर दी इन्होंने तो कुछ दिख ही नहीं रहा क्या बात कर रहे हो भाई ऐसे <laughs> कैसे दिखेगा भाई पानी के अंदर चलो तो जो कीव होती है ना खैर जो कीव होती है ना उसके सामने मिलते हैं एक तो और उसके अलावा शायद केव के हाँ केफ के अंदर भी मिलते ही हैं शायद क्या फ के अंदर तो भाई अच्छी अच्छी लेवल के मिल जाते हैं कई बार तो एक बार ट्राई करूँगा बाहरी मिल जाए वैसे मेरे को भी यार टंकली उस और जो होता है ना जो आर्मर्ड वाले मछली होती है एक मुझे यार वो भी पकड़नी है जल्दी से क्योंकि वो उसको क्या रिड्यूस डैमेज पड़ता है क्योंकि आर्मर्ड होती है तो इसलिए जब हम लोग वो स्क्विड को पकड़ेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा टू सो टू सो थूथस मैं मैं कभी उसका नाम सही से नहीं ले पाऊँगा पर हाँ टू सो टूथस शायद इस बार मैं सही लिया तो उसको जब हम पकड़ेंगे तो तब सही रहेगा तो वो भी मेरे को अच्छी लेवल का अगर मिल जाए तो मैं अगले बीच में पकड़ लूंगा अभी तो भाई अभी मूसा सौर पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं यार केव कहाँ गायब हो जाती है हमेशा अब मेरे को केव ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई केव यार इस तरफ थी क्या ओके शायद यहीं पर थी केव क्योंकि यहाँ पर ऐसे वाइन्स निकल रही है ना तो जहाँ तक मुझे याद है वाइन्स के पीछे ही केव होती है अब दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पर मूसा होगा ना तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर केव के अंदर होगा ना तो बहुत आसान होगा उसको पकड़ना द रीज़न आई show शो यू द रीज़न अभी अभी बताना बहुत मुश्किल है बट आई एल शो यू बस यहाँ पे एक अच्छा मुँह और ना हो यार। अगर होगा ना तो अभी मैं उसको अंदर ड्रा करके ले जाऊँगा भाई केफ के अंदर क्योंकि यहाँ पर उसको पकड़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा ओके तो हमें केव तो मिल चुकी है पर यहाँ पर कोई और दिख नहीं रहा है हमें ओके तेन फाइन कोई बात नहीं हम लोग अंदर ही चलते हैं पिछली बार मतलब ऐसे ही हुआ था भाई केफ के अंदर कोई मतलब केफ के बाहर कोई नहीं दिख रहा था पर केफ के अंदर बहुत जबर एनिमीज़ थे तो हम लोग यहाँ पर निकलते हैं भाई फिर से किफ के अंदर जाना पड़ रहा है अरे हो सकता है कि वैसे आर्टिफैक्ट भी वापस आ गया हो हो सकता है ऐसा क्योंकि तीस मिनट के अंदर वापस आ जाता है भाई आर्टिफैक्ट ओ तो भाई मछलियाँ आना चालू हो चुकी हैं वन ट्वेंटी एट लेवल का मेगलाडॉन काश ये सब पकड़ना ज़्यादा आसान होता भाई मेगलाडॉन्स है ना यहाँ पर पकड़ना बहुत मुश्किल है भाई सही है। वरना में वरना मैं इसको पकड़ भी लेता हम तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसकी लेवल वेवल बढ़ जाए ना तो इसका मैं हेल्थ एक और बार बढ़ा दूंगा भाई सीधा चालीस हज़ार हेल्थ पे पहुंचेगा फिर ये ओके okay, मैं यहाँ पे आ तो चुका हूँ पर मोस और यार इस बार एक भी नहीं है पिछली बार हम लोग को यहीं पर मोसस और मिला था बट दिस टाइम देर इज़ नन एट ऑल तो अभी मैं थोड़ा ट्राई करूँगा क्लियर क्लियर करने का एरिया अगर मिल जाए तो अच्छी बात है नहीं मिले तो ट्राई करते रहेंगे भाई आज पकड़ना तो है ही हमें ओके फाइनली आफ्टर लाइक ट्वेंटी मिनट्स ऑफ किलिंग मेगा नथिंग एल्स यहाँ पर एक मोसा सो स्पॉन हुआ है और ये तो बड़ी अजीब बात है यहाँ पर कुछ और स्पॉन नहीं हुआ है फाइन देन बट इसके यार मेरे को एक ही बात ही गंदी लगती है भाई जब कुछ नहीं दिखता ना तब भाई अचानक से स्पॉन होते हैं अरे लोग तब बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है अगर सामने स्पॉन हो रखे हैं ओ ये तो मेरे पे आ गया क्या नहीं नहीं अभी तो फिलहाल तो एग्रो नहीं है मेरे पे जब कुछ भी नहीं दिख रहा है ना तो मैं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है अभी मेरे को एक तो एक अच्छा स्पॉट ढूंढना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए अभी ये सब के बारे में नहीं सोचते हैं यार एक तो इसको पकड़ूंगा कहाँ से मैं 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 इस केव को थोड़ा अलग समझ रहा था यार मैं मैं भूल गया था कि ये वाली केव ऐसी है ओके मुझे लगा था थोड़ा लेवल ग्राउंड है नीचे पर नहीं है एक्चुअली मैं तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम नाओ कहाँ गया ये मोसा सौर भाई एक तो ये लोग ऐसे घूमते हैं ना भाई यार दिखते भी नहीं है फिर कहाँ गया भाई ये इसकी लेवल भी नहीं देख पाया मैं तो कहाँ है भाई अच्छा ये रहा ये रहा नीचे भाई उधर मत जा प्लीज़ प्लीज़ उधर मत जा वन ट्वेंटी का है ओके फाइन वन वन लेवल का मोस इज़ नॉट बैड एट ऑल तो हम लोग इसको आराम से पकड़ पाएंगे बस इसका ट्रैप जल्दी से हम लोग बना लेते हैं और फिर इसको पकड़ने का ट्राई कर लेते हैं भाई अब नौ द प्रॉब्लम इज कैन आई कैन आई मेक अ ट्रैप दैट वर्क्स यहाँ पर तो भाई हमारा बैसलो भी नहीं जा सकता ना अरे जा सकता है ओके दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर अ ट्रैप दिन भाई ये वाली जगह परफेक्ट है भाई एक ट्रैप के लिए ओके फाइन तो यहाँ पर एक ट्रैप लगा के देखते हैं ये क्या छोटी छोटी मछलियाँ क्या ही है इनको तो कभी देखा नहीं मैंने क्या ये है व्हाट अच्छा सीवर टू में है लॉल ओके तो यहाँ पर एक ट्रैप लगाने का हम लोग करते हैं भाई ट्राई लेट मी प्लेस माई थिंग ओके यार मैंने वैसे कीव बिल्डिंग अलाउ तो कर दी थी ओके okay, हाँ अलाउड है अलाउड है यार मेरे को वो लेके आने चाहिए था कि भीमत वाले अभी शायद से भीमत वाले लेके आने चाहिए थे यार मेरे को भाई एक बार देखता हूँ मैं अगर इसमें से मैं निकल पाऊँ ना तो शायद वो भी निकल जाना चाहिए मेरे को लगा कि यार काफ़ी बड़ा होता होगा ये पर ये तो बड़ा है ही नहीं भाई इतना बड़ा है ही नहीं है मैं तो शायद निकल जाऊँगा शायद से नहीं ओके वेट लेट मी ट्राई अगेन वो शायद वहाँ पर उसके पीछे पहाड़ सा है ना शायद इसलिए निकल पा रहा हूँ मैं ओके बैसिलो तो निकल सकता है भाई आराम से बैसिलो तो निकल जाएगा बट द प्रॉब्लम इज़ आई डोंट थिंक मोसा और निकल पाएगा इसमें से ओके पीपल दिस टाइम मैं थोड़ी ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आया हूँ बीमत के यार गेट वे बनाने के लिए ज़्यादा मटीरियल्स नहीं थे तीन ही बना पाया मैं और तीन गेट बना पाया पर उसी से अब काम चलाना पड़ेगा मेरे को ठीक है ओके अच्छी बात है कि मोसा और यहाँ पर आ गया यार अच्छी बात है कि यहाँ पर आ गया अब मुझे कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा जिससे मैं उसको पानी के थोड़ा ऊपर ला लेके आ पाऊँ क्योंकि भाई वहाँ से मारने में मतलब पानी के नीचे तो मार नहीं सकते डार्ट्स तो यार वही दिक्कत है बस अब मेरे को वो देखना पड़ेगा कैसे करूँ मैं तो एक तो मैं गेट यार यहाँ पर लगा सकता हूँ इसको अंदर ट्रैप करने के लिए एक तो भाई गेट लग जाएगा यहाँ पर यार थोड़ा गल, गलत लग रहा है ये ऐसा लग जाएगा हाँ लग तो रहा है अरे भैया रुक जा यार तू जब मारना होता देखो तब तो तू मारता नहीं है अभी मार रहा है तू आजा ऊपर आजा आना है तुझे तो ऊपर तो। आएगा नहीं है वहां पे वैसे अटक गया है ओ एक सेकेंड ओके वेट अ सेकेंड कैन आई गेट इम टू गेट स्टक हेयर आई थिंक आई कैन वेट अ सेकेंड ब्र तो अगर मैं यहां पर इसकी पूछ पे इसको अटका दू जो कि शायद ही हो पाए बट फिर भी आई ट्राई हो रहा है क्या अरे एक सेकेंड यार मैं भी इसके साथ ना अटक जाऊं भाई आ, एक सेकेंड एक सेकेंड रुक जा भाई मोसा सौर रुक जा थोड़ी देर के लिए नहीं भाई ऐसे नहीं हो पाएगा इसके लिए तो भाई हमें भीमत भी ही लगेगा भाई भीमत भी के अलावा कुछ नहीं लग पाएगा तो एक भी बार भीमत ही लगा के देखते हैं यहाँ पर ओके ओह भाई ऐसे ट्रैप हो जाएगा तो भाई मज़े आ जाएंगे और इस पर डोर लग जाएगा और ठीक है आई गेस दिस इज़ इनफ हाँ दिस इज़ इनफ आई गेस दिस इज़ इनफ तो हम लोग एक बार ऊपर जाते हैं मेरे को जो ट्रैप करना था वो तो मैंने कर भी नहीं पाया भाई ये तो कुछ और ही हो गया पर अगर इससे भी हो रहा है तो भी मुझे तो कोई गिला शिकवा नहीं है भाई इससे हो जाए तो भी कोई गम नहीं इसको बस सही से मैं बैसलोस और उसको अपनी सही जगह पर रख दूँ ना तो सही रहेगा चलो यहाँ पर सही है आई गेस या बॉय एंड या वी कैन गेट स्टार्टेड ओ भाई यार ये तो बड़ी अजीब बात है जो करना चाहते हो ना वो कभी नहीं होगा जो नहीं करना चाहते वो अजीब तरीके से हो जाता है लो भाई ये काम भी कर रहा है सही से क्या बात है भाई क्या बात है चलो भाई कर रहा है तो करने देते हैं काम यहाँ पर वन uh, ट्वेंटी वाला बल का है? मुझे नहीं पता भाई कितने लगने वाले इस पर डार्ट्स बट आई थिंक आई हैव इनफ मेरे पास निन्यानवे डार्ट्स हैं अगर वो भी काफ़ी नहीं रहे तो कितने काफ़ी रहेंगे बस ही मर ना जाए क्योंकि मैंने इसको थोड़े बहुत हिट्स दिए तो थे भाई एक सेकेंड वेट वॉट व्हाट ये कहा गया क्या दिख नहीं रहा भाई मुझे तो ओके है तो सही है तो सही ये रहा पर ये क्या हुआ अभी मतलब अचानक से कुछ हुआ मेरे को भाई जब मैं एडिट करूँगा तो मुझे सही से देखना पड़ेगा बिकॉज दैट वॉज रियली रियली वे बरा एक सेकेंड जरा इसको बंद करो पहले बहुत ज़्यादा इसमें एलिमेंट लगता है है तो सही बस मैं उसको मार पाऊंगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हिल रहा है अब वो ओके okay, पढ़ तो रही है उस पर विच इज़ गुड ओ ये तो मैंने अपनी बंदे पे मार लिया भाई एक सेकंड भाई एंगल बहुत गलत मिला है अब हमें पहले एंगल बहुत सही था यार अभी हिल गया यार गलत हिल गया भाई ये पर है भाई अच्छी बात तो ये कि वो है वहाँ पर चलो मैं अपना काम जारी रखता हूँ जब हो जाता है तो तुम्हें बताऊँगा ये हिल रहा है भाई हिल रहा है ये निकल गया भाई ट्रैप में से ट्रैप में से निकल गया भाई एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड आई हैव टू गेट हिम ट्रैप्ड अगेन मेरे को एक बस गेट लगा देना जल्दी से गेट लग जा गेट लग जा गेट लग जाके फाइन लेट मी सी अगर मैं कुछ और कर सकता हूँ जिससे निकले नहीं निकल ही गया हुआ है ना निकल ही गया शायद एक सेकेंड एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ वैसे मैं एक और जगह जहाँ पर मैं गेट लगा दूँ ना अगर तो हो जाएगा काम पर बहुत जल्दी करना पड़ेगा वो बस यहाँ पे एक और बार बस गेट लग जाए ना एक बार तो हो जाएगा काम भाई हमारा तो नहीं निकल पा रहा है लग जा लग जा लग, जा, लग गया और ये गेट लग गया चलो अब शायद ना हो पाए लेटेस्ट सी ओके इस बार शायद शायद सही से अटक गया है भाई पिछली बार पता है वो तुक्के तो से अटक गया था ना तो इसलिए शायद निकल गया था वो इस बार नहीं निकल पाएगा ओके okay, हो गया हो गया मैंने श, शायद से उसको अनकॉन्शियस होने के बाद एक और मार दिया हो तो एफिशेंसी शायद से थोड़ी कम हो गई हो भाई तो एक मेरे से वहीं पर गलती हो गई बट देखते हैं भाई देखते है, देखते हैं कितना एफिशिएंसी कम कर दी मैंने इसकी आ, वो तो फूड डाल के पता चलेगा भाई एक सेकेंड तो फूड ज़रा डाल दिया जाए इसके अंदर भाई कहाँ से डालूँ मैं जगह भी नहीं मिल रही ये ये रहा ये रहा डालो भैया फूड एफिशिएंसी भाई अभी थोड़ी देर में बताएगा अभी तो यार ये नहीं बताएगा पर हेल्थ इसकी कितनी अच्छी है भाई ग्यारह हज़ार हेल्थ क्या बात है इसका मिड डैमेज भी अच्छा ही था मतलब यार मेरे को शायद इसने वन ट्वेंटी डैमेज या कुछ किया था पहली बार फिर उसने एटी एटी डैमेज किया था आई डोंट नो वॉट दैट इज़ अबाउट बट हाँ भाई इसकी डैमेज भी काफ़ी अच्छी है हम लोग आराम आराम से बढ़ाएंगे इसका डैमेज काफ़ी सही हो जाएगा बस एक बार पता चल जाए इसकी एफिशियसी कितनी कम हुई है है न चलो वाइस देखते हैं थोड़ा थोड़ा होने देते हैं इसको अनकॉन्शियस लेवल वैसे इसकी काफ़ी जल्दी गिरती है उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा मैं टॉक्सिन खिला सकता हूँ क्या टॉक्सिन लेट मी सी इफ आई कैन क्योंकि कई बार होता है ना लोग बोलते हैं कि तुम बायोटॉक्सिन खिलाया करो ना इसकी जगह तो आई वॉन्ट टू सी इफ यू कैन या आई थिंक यू कैन ब्रो बढ़ता है बढ़ता है ओके okay, तो टॉक्सिन तो मेरे पास है मैं यार वो लाना भूल गया यार अपना बेहोश करने के लिए जो होता है ना मैं उसका नाम भी भूल गया क्या बात है वो टेम हो रहा है टीम हो रहा है हंड्रेड परसेंट एफिशियसी हो सिक्सटी सिक्सटी लेवल बढ़ जाएगी इसकी वन एटी वन लेवल का हो जाएगा ये जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई काफ़ी जल्दी जल्दी टेम हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ये ज़्यादा खिलाता हूँ टॉक्सिन अच्छी बात है इसको हम लोग होने देते हैं भाई अभी टेम है ना जल्दी हो जाएगा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट मेरे पास ये है क्या अभी क्या ट्वेंटी सिक्स परसेंट हुआ है ना तो मेरे पास ये कितना है अच्छा चलो हो जाएगा हो जाएगा आराम से हो जाएगा और ये भाई हो गया अपना मोसा सौर टीम इसका नाम भी रख रहा हूँ ऑफकोर्स यू गाइज द नेम तो आज तुम लोग को दो दो नाम बताने भाई एक तो बैसिलो स एक आ, इस मोसा सौर का ओके okay. ओ भाई ओ भाई ओ मेरे डाइनो के पास आता है तू तो जेली फिश एक दिक्कत है गाईज वैसे मैं बता दूँ कि ये जो टेक्स एडल होती है ना एक बार तुम इसको लगा दो तो भाई ये निकलती नहीं है ठीक है आई थिंक दैट इज द केस मैंने कुछ लोगों को करते हुए देखा है तो वो बताते हैं कि अगर तुम लगाओ तो उसी पे लगाओ भाई जो तुम पक्के से जानते हो कि भाई ये तुम्हारे काम आने वाला है ठीक है अच्छी लेवल का हो उसी पे लगाओ ऐसे वैसे वाले पे मत लगा देना नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी तो ये यार वन एटी लेवल का है आई डोंट नो इफ आई शुड यूज़ इट ऑन हिम और नॉट बट आई थिंक आई एम गोइंग टू बिकॉज या वाई नॉट ओके कितने लेवल का वन एटी वन लेवल का ही है नो प्रॉब्लम एट ऑल इस ये क्या फॉलोइंग पे है तो इसको हम जो जरा सैडल पहना देते हैं भाई ओके इससे निकाल सकते हैं तो आई डोंट नो मैंने किसी की तो वीडियो देखी थी भाई जिसमें बता रहा था कि तुम नहीं निकाल पाओगे वेल आई थिंक दैट वाज अ पास्ट अपडेट आई गेस चलो यार एक काम करता हूँ इसको जल्दी जल्दी उठा लेते हैं भाई मेरे पास डेमोलिशन करनी पड़ी गा यार क्या बात कर रहा तो हूँ यार कैसी बात कर रहे हो भाई मेरे को अपने भाई ये गेट चाहिए यार आई वॉन्ट माई गेट्स बॉय वेल दिस इज़ बैड ओके आई फॉट टू ब्रिंग अ डिमोलिशन गन यार निकल पाऊंगा यार मैं यहाँ से क्यों निकल पा रहा हूँ यहाँ से मे भी नहीं ओके okay. देन भाई तोड़ना ही पड़ेगा फिर और कोई चॉइस नहीं है भाई सॉरी डिमोलिशन गेट बट यू गट डाई ओ भाई देख रहे हो कितना सामान लगता है इसको बनाने में ये मतलब हमें आधा सामान वापस मिला था बट अब क्या कर सकते हैं भाई अभी भी नहीं निकल भाई अब मैं बोली तो अभी भी नहीं निकल पा रहा है ओके अभी ओके निकल पा रहा है निकल पा रहा है भाई मैं डर गया था यार ओ स्पीड तो देखो बंदे की एक सेकेंड ये तो काफ़ी जल्दी ऊपर आ गया भाई ओके यहाँ पे यार सही से दिख नहीं पा रहा है पर ये भाई काफ़ी जल्दी ऊपर आ गया था और लग भी कितना सेक्सी रहा है एक सेकेंड में एक काम करता हूँ बस जल्दी से अपने बैसिलोस और को ना आ, मैं क्राय पॉट कर देता हूँ उसके बाद भाई चलते हैं ऊपर और फिर असली टेस्ट होगा भाई इसका कि आखिरकार कैसा है ये बंदा ओके तो हम लोग अपने गेट्स वगैरह सब ले लेते हैं एंड लेट्स गेट गोइंग टेक यार आई थिंक हम लोग टेक की मदद से लेवल अप अगले एपिसोड में करने वाले हैं हालांकि मैं थोड़ा बहुत टेक इसको दे देता हूँ जस्ट इन केस एंड लेट्स गेट गोइंग बॉय भाई इसकी स्पीड तो देखो यार स्पीड तो बहुत ही अच्छी है इसकी बैसिलोश और से तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है अभी मैं यहाँ पर नहीं मार रहा हूँ बंदे यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल के आते हैं यार ये बहुत ही चीटिंग वाली बात हो जाती है भाई फिर एंड द बॉई वी आर आउट अब जरा ट्राई किया जाए इसको मेरे को यार टेक्स एडल के तो नहीं पता क्या कंट्रोल्स हैं बट लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक से नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे को अभी ट्राई नहीं करनी टेक्स एडल ओके इससे तो कुछ इसने बाइट वगैरह किया क्या या पाइट अटैक और राइट क्लिक से भाई कुछ नहीं करता सी से सी से भी कुछ नहीं करता है सो लाइक मोस आर हैज़ नो यूज अदर दैन लाइक बाइट अटैक ओके पर इसका आ, उस पर दिखाता है मतलब इसकी विघी पे दिखाता है डोडो डोरोडेक्स पे कि भाई ये मीट कलेक्टर बहुत अच्छा है तो एक बार मुझे इससे मीट कलेक्ट करवा के देखना है ये देख रहे हो तो मतलब कितनी जल्दी लेवल ग्राउंड पर पहुँचता है भाई ये मतलब लेवल वाटर पर बहुत ही तेज पहुँचता है एक तो मैं पहले ये ख़त्म करूँ यार बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा था गेम चलो भाई अब जरा ट्राई किया जाए इसको इन इज़ फुल ग्लोरी इसको नीचे जाने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग ओ भाई इतनी जल्दी आ भी गए हम नाइस क्या बात है भाई ये तो काफ़ी सही चीज़ है एक बार इसको मार के देखते हैं कहाँ है ये चीज़ ए लड़की ये भाई इसको मुड़ने में कितना टाइम लगता है यार ओह भाई कितना मुड़ ही नहीं पा रहा ये तो मुड़ ही नहीं पा रहा है भाई ये वो वही मेरे पास आई है भाई चीज़ ये डॉल्फिन ही मेरे पास आई है मैं तो मुड़ ही नहीं पा रहा था 302 डैमेज अरे भाई क्या बात कर रहे हो तुम यार क्या बात कर रहे हो भाई तीन सौ दो फ्री कैंड डैमेज ब्रो नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट ओके नाइस और ओ भाई दो हज़ार बढ़ती है एक बार में आई थिंक नॉट दो हज़ार बट पंद्रह सौ एक बार में बढ़ जाती है विच इज़ क्रेजी ब्रो तीन पॉइंट से दो मतलब इसकी बीस हज़ार हेल्थ बढ़ गई चार हज़ार के करीबन हेल्थ बढ़ गई क्या बात है चलो हम लोग ट्राई तो नहीं करने वाले थे वैसे चैनल को बट आई थिंक आई एम गोना गिव इट अ ट्राई वाई नॉट पर इसको ट्राई करते कैसे है वे ये तो किसी ने बताया ही नहीं और ये मोहस और भाई तू ये हटा वरना तू भाई सो जाएगा इसको कैसे ट्राई करूँ यार मैं कुछ एक्स दबाते हैं या क्या करते हैं भाई आई हैव नो आइडिया ब्रो आई लिटरली हैव नो आइडिया ओके कंट्रोल से होता है भाई नहीं कंट्रोल से भी नहीं होता डिफॉल्ट कंट्रोल होता है वैसे तो पर कंट्रोल को क्योंकि मैंने अपना सेल्फी कैम बना रखा है ना इसलिए शायद से नहीं हो पा रहा है तो मुझे यार ये हटाना पड़ेगा टॉगल सेल्फी कैम को अभी मैं क्या करूँ भाई ओके लेट मी डू ऑल्ट ओके फॉर नाउ आई डू ऑल्ट एक बार देखते हैं अब क्या होता है कंट्रोल से अभी भी कुछ नहीं हो रहा है ओके okay. अरे लॉल मुझे ये भी तो करना पड़ेगा ये जो मेले वाला है मेले वाला इसको कंट्रोल करते हैं और उसको ऑल्ट करते हैं। चलो अब अब शायद से हो जाएगा ओ या ओ या ब्रो ओ ओ या क्या बात है क्या बात है तो कंट्रोल से कंट्रोल दबा के इसका कुछ वो, वो मोड चालू हो जाता है और उसके बाद तुम ऐसे मार सकते हो इसको इसको मार के देखते हैं कितना डैमेज पड़ता है ज़रा देखें फोर डैमेज क्या बात है क्या बात है भाई क्या बात है भाई बहुत ज़्यादा डैमेज है मतलब इसके डिफॉल्ट डैमेज तो ज़्यादा ही है पीव, 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 अरे मार नहीं पा रहा मैं इसको एक सेकंड ए लड़के अच्छा पीछे की तरफ कैसे मारेगा ये पीछे की तरफ थोड़ा पड़ेगा अब पड़ेगा भाई अब ये ले थोड़ा सा डिफिकल्ट है यार इसको करना मतलब तुम्हें ऑन एंगल रहना पड़ेगा यार बंदे के साथ ऐसी तुम तो ऊपर नीचे नहीं कर सकते तो मतलब ये मुंह पे आना पड़ेगा बंदे के ऐसे तो फिर ये तो भाई थोड़ी गलत बात हो गई यार अब शायद हो पाए हाँ अब हो रहा है देखो अभी भी थोड़ा सही से नहीं हो रहा है थोड़ा ऊपर एम करना पड़ रहा है मुझे पर फिर भी इतना बुरा नहीं है चलो भाई सही है आज हम लोग ने मोस और पकड़ लिया भाई इतनी अच्छी लेवल का तो नहीं पकड़ पाया आई वॉज होपिंग फॉर लाइक वन फिफ्टी और अबव पर चलो कोई बात नहीं यार हमें अच्छा खासा मोसेस और तो मिल ही गया हम लोग अब अगले एपिसोड में ट्राई करेंगे कि हम लोग बॉस फाइट के लिए थोड़ा बहुत और रेडी हो जाएं यार हमें अभी बंदर वाली बॉस फाइट के लिए जाना है और उसके लिए हम लोग अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हुए हैं तो हमें उसके लिए रेडी होना पड़ेगा को टीम करना मैं चालू करूँगा एंड या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड देन बाय बाय सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट